एक तरफ बीजेपी कोटे से देवघर के विधायक नारायण दास अपने ही सांसद निशिकांत दुबे पर गंभीर आरोप लगाते हैं, कहते हैं समीक्षा बैठक चल रही थी इतने में निशिकांत दुबे के कुछ गुंडे आते हैं, मेरा गिरेबा पकड़ते हैं, कॉलर पकड़ते हैं, माँ बहन की गालियां देते हैं, माँ बहन के बारे में भद्दी भद्दी बातें कहते हैं और फिर वो गुंडे मेरे कार्यकर्ताओं को भी पीटते हैं। बाकायदा दलित विधायक नारायण दास ने बाकायदा इसको लेकर FIR दर्ज भी करवा दिया। तो एक खबर और है बीजेपी के सांसद की, धनबाद से ढुल्लू महतो सांसदी का चुनाव जीत कर आए हैं। 4 तारीख को चुनाव के नतीजे आए और मात्र 10 दिन के बाद 14 तारीख को मैथन डैम पर सांसद ढुल्लू महतो को लड्डू से तौल कर उनका स्वागत किया जा रहा था। इसी बीच दो युवक पहुंचते हैं, काला बिल्ला दिखाते हैं, जिसके बाद ढुल्लू महतो के प्राइवेट अंगरक्षक गाड़ियों से लाठी डंडे निकालते हैं और उसके बाद इन युवाओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटते हैं। सिर्फ इन दो युवाओं तीन युवाओं को नहीं, बल्कि उस वक्त चाय की दुकान पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनका इस घटना से कोई वास्ता नहीं होता है, गुस्से में आकर ढुल्लू महतो के समर्थक जो हैं उनको भी पीट देते हैं, लहूलुहान कर देते हैं, सिर फट जाता है। और उसके बाद जब एक पत्रकार सांसद महोदय से फोन पर बात करता है और पूछता है तो सांसद महोदय कहते हैं कि जो विरोध करेगा वो भुगतेगा, अब अंग्रेजों का जमाना नहीं रहा, जो विरोध करेगा उसके साथ यही होगा। अब सवाल यही उठता है कि अगर कोई युवा भले ही वो उसके विरोधी खेमा का हो, अगर काला बिल्ला दिखाता है, काला झंडा दिखाता है, तो क्या प्रशासन इस पर कार्रवाई करेगी या फिर उनका निजी अंगरक्षक उनका समर्थक लाठी डंडा लेकर दौड़ा दौड़ा कर पीटेगा। आप ये जानते होंगे, चाहे नीतीश कुमार हो या फिर योगी आदित्यनाथ, उनके काफिले के आगे में कई बार ऐसे युवा आ जाते हैं, स्टूडेंट्स आ जाते हैं जो उनसे नाराजगी रखते हैं, वो काला झंडा दिखाते हैं, काला बिल्ला दिखाते हैं, ये डेमोक्रेसी में एक नियम रहा है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, प्रशासन यहाँ पर एक्टिव होती है, पहले तो उस रूट को जो है वहाँ पे पुलिस मौजूद होती है। अगर कोई युवा इस तरह की हरकत करते हुए पाया जाता है तो उसका एक प्रशासनिक प्रोसीजर होता है, उसे बाकायदा थाने ले जाता है और फिर उससे जो है पढ़ा लिखी होती है। अगर वाकई में पहले जाना जाता है उसका उसकी मंशा क्या थी, उसके आगे उस पर कार्रवाई होती है। लेकिन बीजेपी के सांसद ढुल्लू महतो का यह कहना कि जो विरोध करेगा वो भुगतेगा, इसका मतलब साफ है कि जो भी सांसद महोदय का विरोध करेगा उसे इसी तरीके से दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाएगा। तो बीजेपी के अंदर इस वक्त अजीबोगरीब स्थिति है, कुछ ऐसे कारनामे हो रहे हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी की साख पर सवाल उठा रहा है। आपको दुमका की घटना भी याद होगी जहां पर सीता सूर्य ने आरोप लगा दिया कि सारठ के जो विधायक हैं रणधीर सिंह, लुईस मरांडी और बाकायदा प्रदेश संगठन पर भी बिके होने का आरोप तक लगा दिया और ये कहा कि इन लोगों का साथ हमें नहीं मिला, अगर साथ मिला होता तो हम चुनाव जीत गए होते। और दुमका में भी मारपीट होने की, बगझक होने की खबरें आई थी जब समीक्षा बैठक चल रही थी। सीता सोरेन के समर्थक और बीजेपी के कुछ समर्थक जो थे वो आपस में कहीं ना कहीं भिड़ गए थे। तो कुल मिलाकर बीजेपी को लेकर इस वक्त जिस तरह की खबरें आ रही हैं उससे बीजेपी अलकमान खुद असहज है। आपको बता दें कि जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं वो इस सवालों का जवाब जो है वो देने में सक्षम नहीं है, वो अनकंफर्ट सवालों का जवाब देने में हो जा रहे हैं। तो जिस तरीके से खासकर सांसद जो ढुल्लू महतो धनबाद के हैं, जिस तरीके से उन्होंने उनके अंगरक्षक ने, निजी अंगरक्षक ने पिटाई की, दौड़ा दौड़ा कर पीटा और फिर ये कहा कि जो विरोध करेगा वो भुगतेगा, अगर इस पर आलाकमान लगाम नहीं लगाती है तो फिर इसका नुकसान भाजपा को उठाना पड़ेगा, एक गलत परसेप्शन जाएगा। क्योंकि अगर कोई आपको काला बिल्ला दिखाता है तो प्रशासन आपके पक्ष में आ सकती है, प्रशासन उन लोगों की गिरफ्तारी कर सकती है, उन लोगों की मंशा जान सकती है, अगर वो विरोधी खेमे के थे क्या मंशा थी उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई कर सकती है। लेकिन आपके निजी अंगरक्षक जो है वो किसी को दौड़ा दौड़ा कर नहीं पीट सकते हैं। अगर वाकई में ऐसा होने लगे तो यकीन मानिए जो कोई भी विरोध होगा, विरोध करेगा, चाहे वो एक आम विद्यार्थी क्यों ना हो, उसे भी विरोधी बताकर नेता अपने निजी अंगरक्षकों से जो है वो सर फड़वा देंगे और बाकायदा लहूलुहान करवा देंगे। आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।